दोस्तों कहते हैं कि सुबह उठने के लिए अलार्म की नहीं, हर इंसान को जिम्मेवारियों की जरूरत होती है। हमें सुबह हमारे अलार्म नहीं हमारी जिम्मेवारियां उठाती हैं। अलार्म तो जितने मर्जी बजते रहें हम जागते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें जिम्मेवारियों का एहसास जब तक नहीं होता तो आपकी जाग नहीं खुलेगी। देखिए इस वक्त सुबह उठकर जो भी बंदा सुबह न्यूज़ लगाता है वो इसी होप के साथ लगा रहा होता है कि शायद आज जो वायरस को स्टॉप करने के लिए रिसर्च हो रही है वर्ल्ड वाइड, इतने डॉक्टर्स इतने साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं, शायद आज उसका रिजल्ट मिल चुका हो, शायद आज ऐसी न्यूज आ जाए जिसके साथ इस चीज को रोका जा सके। तो एक बार सोचो जरा, जहां पर ये सारी रिसर्च हो रही होगी, इतने साइंटिस्ट इतने डॉक्टर लगे होंगे मिलकर, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज शायद ये रिसर्च कर रही होंगी, तो मेरे ख्याल से मुझे कभी कभी लगता है कि इमेजिन करके देखो, ऐसी लेबोरेटरीज ऐसे कह लो कि शायद हॉस्पिटल्स जहां पर उनके पास ना तो सोने का टाइम होगा, ना उनके पास खाने का टाइम होगा, ना उनके पास नहाने का टाइम होगा, बस सारा माइंड उधर ही लगा होगा। शायद रेस्ट भी करते होंगे तो यही सोचकर कि जल्दी बस एक बॉडी को उतनी रेस्ट दे दो ताकि जल्दी उस काम में हम अपने कह लो कि डट जाएं, कि दोबारा जल्दी से जल्दी इस चीज का रिजल्ट मिले। और वो रिजल्ट हमें भी पता है, सबको पता है, वो रिजल्ट वो अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहे कि सिर्फ उनको या उनकी फैमिली को बेनिफिट होगा, ये रिसर्च हो रही कि सारी दुनिया को बेनिफिट हो। तो देखो जरा कि कितना डीप लेवल पर ये काम हो रहा होगा, जहां पर कहते हैं कि एक कह लो कि सिर को खुजाने का भी टाइम नहीं होगा, लेकिन एक अगर मैं अपने कह लो कि अपने जो हमारा कोर्स है उसकी बात करूं, तो बच्चों के जब मुझे लगता है कभी कभी, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, बच्चे कई बार इवन रजिस्टर करवा के भी या यूट्यूब पर भी ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हमें नींद बहुत आ रही है, हमने 2-3 घंटे पढ़ा, हमारा उसके बाद फ्लो टूट गया, तो सारा माइंड ही डीमोटिवेट हो गया, पढ़ने का मन ही नहीं किया, या 2-4 दिन 1 हफ्ते पढ़ा उसके बाद मैं फिर से डीमोटिवेट हो गया। आप यही अपनी सिचुएशन जरा वहां पर लगाकर देखो, अगर जहां पर रिसर्च हो रही है अगर वो भी यही आपकी तरह ही सोचे कि यार आज मुझे नींद बहुत आ रही है, आज रिसर्च को रहने देते हैं, यार आज मैंने 2 घंटे रिसर्च की, जो मेरे माइंड में था वैसा नहीं हुआ तो मैं 2 दिन अब कुछ नहीं करूंगा, देखी जाएगी, या कुछ ऐसी होप रखी जाए कि शायद हमारा काम भी पोस्टपोन हो जाए, हमें बोल दिया जाए कि चलो ऐसा करो 1 महीना रुककर सर्च कर लेना। तो आप सोचो जरा हम लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लियर है कि उन लोगों ने ये काम अपने लिए चाहे नहीं करना, वो तो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। हम लोगों का तो जो काम है वो सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए है, सिर्फ हमारे पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए, हमने अपने को या अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को सुख देने के लिए जो काम करना है हम तो वो भी नहीं करके राजी। पता नहीं हमें हमारी जिम्मेवारियों का जो रियल एहसास है। अच्छा कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मैं नॉर्मली वीडियोस में ये बातें करता हूं कि पास्ट पेपर्स जरूर करो, उसके अलावा आप आरटीपी एमटीपी जरूर देखो, इतने देख लो, मैंने एक आधा दिन पहले भी ये वीडियो डाली थी, वहां पर भी बच्चों ने ये पूछा था कि पास्ट पेपर क्यों देखने चाहिए। देखिए मैं दोनों चीजों को लिंक करके आज आपको समझा रहा हूं पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर। कोई टाइम होगा जब पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, देखो हम सबने सुना है नाम हैजा का, नाम सबने सुना है, उसके अलावा पोलियो सबको पता है, ये भी किसी टाइम पर ऐसी बीमारियां थी कि कंट्रीज ने इनके ऊपर रिसर्च करके ऐसी मेडिसिंस बनाई और इन चीजों को स्टॉप किया गया और इन चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल पर ले आया गया कि अब ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, तब भी ये रिसर्च हुई होंगी। तो आज वाली जो रिसर्च हो रही है शायद पुरानी चीजों को उठाकर भी देखते होंगे ना कि उस वक्त क्या आया था, उस वक्त कैसी सिचुएशंस थी, क्या कंडीशन थी, कैसे ये चीजें पैदा हुई थी, क्या फॉर्मूले तब लगे थे, तो शायद कहीं ना कहीं उन चीजों को यूज किया जाएगा। ये तो है नहीं कि वो बोले कि वो अलग चीज थी ये अलग चीज है। तो बिल्कुल ऐसे आप जो पास्ट हो चुका है, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, देखो हम लोग क्या फंसे हुए हैं, मैं आपको आज सारी बातें बिल्कुल दिल से कर रहा हूं। हम लोग किस लेवल के साथ लेते हैं कि जी हमने एक पेपर देने हैं, पेपर के हिसाब से क्या मैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर जाऊं। हम लोगों का जो माइंड है वो क्वेश्चंस आंसर्स तक बैठा हुआ है, मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए, मैंने 20 क्वेश्चंस कर लिए। अरे यार बात है चीजों को समझने की, पास्ट क्या हो रहा है उसको देखने की। जरा कई बार हम कोशिश करें कि दिन के 2 घंटे सेपरेट रख लें कि आज मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर उठाकर जरा प्रॉपरली क्वेश्चंस को ही स्टडी करना है कि वो क्वेश्चंस में कैसी बातें की जा रही हैं। कल को मेरे पास कोई प्रैक्टिकल बंदा प्रॉब्लम लेकर आ गया तो आज क्वेश्चन की फॉर्म में प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, कल को किसी का कोई केस लगेगा, मेरे पास फाइल आएगी तो मैं वहां से उस चीजों को स्टडी करूंगा। तो ऐसे जरा चीजों को स्टडी किया जाए,
मेरा नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये बोलेगा कि हाँ मैं डीमोटिवेट हो गया हूं, या मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आज पढ़ नहीं पाऊंगा। काम ही इतना है यार हमारे पास रोज का रोज करने वाला, अपनी जिम्मेवारियों को जैसे हमने समझना शुरू कर दिया तो ये क्रॉस बच जाएंगे इन चीजों के ऊपर कि आज मेरे पास कह लो कि मेरा मन नहीं किया या मुझे नींद आई है। तो मैं बस इसी होप के साथ आज ये वीडियो बना रहा था कि चाहे आप रजिस्टर करके कोई बात करते हो या आप यूट्यूब पर भी कोई डिस्कशंस करते हो, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कोशिश करो कि ऐसी चीजों के ऊपर टाइम ना वेस्ट करो कि मैं सोने के लिए मतलब कह लो कि नींद इतनी आ रही है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, जो ऐसी सिचुएशंस है। आप उन लोगों को भी देखो जो इस वक्त क्या क्या कंडीशंस में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डेडिकेशन के साथ एक बार न्यूज चैनल लगा लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि सबकी कितनी डेडिकेशन है। मैंने तो जस्ट आपको डॉक्टर्स की एग्जांपल दी है, जो जो भी पर्सन इस वक्त ड्यूटीज में लगा हुआ है, जिनकी ड्यूटीज हैं, वो सब क्या अपने लेवल पर ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो बस इसी होप के साथ आज मैं कह लो आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि अगर कोई बच्चा कमेंट करेगा भी तो वो पॉजिटिव ही कमेंट करेगा, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा, और हाँ वो आज के बाद ये नहीं सोचेगा, ये जरूर लिख देना कि हाँ मैं अब नींद के बारे में नहीं सोचूंगा। नींद एक रिक्वायरमेंट है बॉडी को रेस्ट देने के लिए, वो उतनी दो बॉडी को रेस्ट जितनी उसको चाहिए, लेकिन उसके बाद जब काम करना है हमारे, हमें पता है कि ये हमारी जिम्मेवारी है, उसके तरफ पूरा दिल लगाकर काम करो। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखता हूं, मेरे ख्याल से आप किसी को भी मेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा होगा, और इस होप के साथ कि हम सब मिलकर ऐसी जो भी कह लो सिचुएशंस है उसको मैनेज करते रहेंगे, तो अपने स्टडी की तरफ पूरा हार्डवर्क करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब मैं मिलूंगा कल आपको फ्रेश वीडियो के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।